तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते के WWE के सारी शोज की व्यूअरशिप के बारे में। इस हफ्ते के सारे शोज यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे शोज हमें देखने मिले, काफ़ी कुछ हमें मतलब इस हफ्ते काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के और साथ ही AEW के इस हफ्ते के सारे शोज की व्यूअरशिप के बारे में। WWE को AEW को यहाँ पर शोज में फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं, यानी कि किसको कितना फ़ायदा बात व्यूअरशिप के यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस बात करें यहाँ पर सबसे पहले शो के बारे में, यानी कि मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो इस हफ्ते के रॉ के एपिसोड में हमने देखा था, वहाँ पर हमें ड्राफ्ट नाइट 2 देखने मिली थी, जहाँ पर हमने फिर से ड्राफ्ट देखा था। काफ़ी सारे सुपरस्टार हमने इधर से उधर जाते हुए देखे थे। साथ ही शो के ऊपर हमें काफ़ी कुछ मतलब कमाल कमाल के मैचेस देखने मिले थे, मतलब काफ़ी कुछ हमें देखने मिला था। वहाँ पर हमने ब्रॉन स्ट्रोमन कीथ ली का भी एक मैच देखा था, साथ ही हमने ड्रू मैकइंटायर रैंडी ऑर्टन की ब्रॉल भी देखी थी। मेन इवेंट में हमने एक बैटल रॉयल देखा था, मतलब शो के ऊपर काफ़ी कुछ था, ड्राफ्ट था, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर भी हमें देखने मिली थी। तो बात करें की रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, तो गाइस इस हफ्ते की कह सकते हैं रॉ को यहाँ पर फायदा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं एपिसोड तो अच्छे जाते हैं लेकिन व्यूअरशिप में WWE को फायदा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस हफ्ते WWE को यहाँ पर फायदा हुआ है, क्योंकि इस हफ्ते की जो उनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 1.855 मिलियन व्यूअर्स, और बात करें लास्ट वीक की तो वो थी 1.686। तो यहाँ पर ये 10% इनकी व्यूअरशिप बढ़ी है, तो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब ड्राफ्ट नाइट 2 हमें देखने मिली थी तो उससे WWE को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है, ड्राफ्ट से WWE को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है, उनकी व्यूअरशिप बढ़ी है। और कह सकते हैं मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में इनकी व्यूअरशिप और भी बढ़ेगी। आने वाला जो रॉ का एपिसोड है जो कि सीजन प्रीमियर होने वाला है, मुझे लग रहा है वहाँ पर वो एपिसोड की व्यूअरशिप बढ़ती है। वो तो फिर आगे चल के देखते हैं वो वाला एपिसोड कैसा आता है और उस शो की व्यूअरशिप बाद में कितनी निकल के आती है। अगले शो की बात करें यानी कि NXT के बारे में, तो इस हफ्ते का NXT का एपिसोड भी कह सकते हैं ठीक ठाक सा एपिसोड वहाँ पर हमें देखने मिला था। हमने वहाँ पर कुछ नंबर वन कंटेंडर के मैचेस देखे थे, साथ ही हमें मेन इवेंट में चैंपियनशिप का मैच देखने मिला था जो कि था डेक्सटर लूमिस वर्सेस डैमियन प्रिस्ट के बीच नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। मतलब वहाँ पर का भी कह सकते हैं एवरेज सा शो हमें देखने को मिल गया था। लेकिन बात करें व्यूअरशिप के बारे में, तो यहाँ पर कह सकते हैं इस हफ्ते की NXT को भी यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, जहाँ पर इस हफ्ते की इनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 651,000, और लास्ट वीक की बात करें तो वो थी 639,000। तो यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा फ़ायदा इस हफ्ते की NXT को हुआ है। लेकिन बात करें NXT के कॉम्पिटिशन AEW डायनामाइट के बारे में, जहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एपिसोड था, जहाँ पर उनकी डायनामाइट एनिवर्सरी थी, डायनामाइट एनिवर्सरी वाला एपिसोड था, काफ़ी स्पेशल एपिसोड वहाँ पर हमें देखने मिला था। काफ़ी सारे मैचेज हमें देखने मिले थे, सारे कह सकते हैं मैचेज हमें चैंपियनशिप के लिए देखने मिले थे। तो बात करें उनकी व्यूअरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते की जो डायनामाइट की व्यूअरशिप गई है वो भी यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि इस हफ्ते उनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 826,000, और लास्ट वीक की बात करें तो वो थी 753,000। तो यहाँ पर डायनामाइट को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनका भी स्पेशल एपिसोड था, एनिवर्सरी वाला एपिसोड था, तो यहाँ पर उनको फ़ायदा होनी था। तो कह सकते हैं यहाँ पर इस हफ्ते के NXT और साथ ही AEW डायनामाइट दोनों शो की यहाँ पर व्यूअरशिप बढ़ी है। अब बात करें लास्ट शो के बारे में, यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते की स्मैकडाउन का एपिसोड की बात करें तो उनका सीजन प्रीमियर का स्मैकडाउन का एपिसोड था, जहाँ पर पहले से काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस थी। मेन इवेंट में हमें रोमन रिग्स ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच देखने मिला था, साथ ही शो की ओपनिंग भी कह सकते हैं सही से हमें देखने मिली थी, जहाँ पर ट्रिपल एच स्टेफनी मैन हमें देखने मिल गए थे, लार्ज सुलेवन जेफ हार्डी का मैच था, न्यू डे का फेयरवेल मैच था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें देखने मिली थी। तो वहाँ पर भी शो के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने मिली थी, लेकिन व्यूअरशिप को देख के यहाँ पर लगता नहीं है कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर पसंद करा स्मैकडाउन को, क्योंकि इस हफ्ते की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप गई है वो यहाँ पर घट चुकी है। इस हफ्ते की उनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 1.987 मिलियन व्यूअर्स, और बात करें लास्ट वीक की तो वो थी 2.178, तो यहाँ पर ये 2 मिलियन से भी व्यूअरशिप नीचे आ चुकी है। और इस हफ्ते की यहाँ पर ये इनकी व्यूअरशिप 8.8% यहाँ पर इनकी व्यूअरशिप घट चुकी है। अब वही WWE के साथ हम देखते हैं, मैं आपको हर हफ्ते ही बताता हूँ शोज अच्छे आते हैं और व्यूअरशिप घट जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा उल्टा सीन होता है। लेकिन मुझे तो इस हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड काफ़ी ना सही लगा था। कमेंट करके आप लोग मुझे जाना आपको इस हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा था और सारे शोज आपको कैसे लगे थे इस हफ्ते के, और आपको सबसे बढ़िया शो कौन सा लगा था, रॉ स्मैकडाउन NXT या फिर AEW डायनामाइट, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं आना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।